नमस्कार, एमएचएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। अगले साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे देखते हुए तमाम पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। एक तरफ कांग्रेस ने 2014 के लिए खास गेम प्लान तैयार किया है ताकि हाथ का साथ वो तीसरी बात भी जनता तक पहुंचा सके, यानी कि जीत की हैट्रिक लगा सके। तो इनेलो भी अपनी ऐनक के सहारे सत्ता का गलियारा तलाश रहा है। तो हज का अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर सत्ता तक पहुंचने की बात जो रही है, तो भाजपा को उम्मीद है कि इस बार ट्रैक्टर से जुती हुई राजनीति की जो जमीन है उस पर कमल की अच्छी खेती होगी। हर कोई अपनी अपनी रणनीति से, अपने अपने गेम प्लान से जनता को भी लुभाना चाहता है और सत्ता के दरवाजे तक भी पहुंच जाना चाहता है। तीसरी बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को लाना है। प्रदेश से जुड़े हुए हर मामले को उठाएंगे। परमात्मा भी राजी है, भाजपा भी राजी है और जनता भी राजी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2014 में होना है, बावजूद इसके सियासी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। कांग्रेस की तरफ से 2014 के लिए खास गेम प्लान तैयार किया गया है। कांग्रेस की कोशिश यही है, हाथ बढ़ाकर कैसे जनता का हाथ फिर से थामा जाए। इनेलो भी अपनी ऐनक के जरिए 2014 के लिए मतदाता तलाश रही है, तो हजका का ट्रैक्टर भी सियासी जमीन तैयार करने में जुटा है। ट्रैक्टर की मदद से बीजेपी भी इस बार हरियाणा में कमल की अच्छी फसल उगाने की हसरत रखती है। ऐसे में सभी पार्टियों के गेम प्लान पर नजर डाल लीजिए, क्योंकि मिशन 2014 के लिए तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। हरियाणा का किला बचाए रखने के लिए कांग्रेस खास रणनीति बना रही है ताकि 2014 में हैट्रिक जमाई जा सके। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाना दिल्ली आए और हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी वीके हरिप्रसाद से मुलाकात की। इस बैठक में मिशन 2014 के लिए खास रणनीति तैयार की गई। संगठन के बारे में ही चर्चा हुई है और जनसंपर्क के बारे में विचार विमर्श हुआ है। हम शीघ्र ही जिलों में जनसंपर्क शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा है ना, लोग तो पानी से पहले जूतियां निकाल रहे हैं। हमने तीसरी बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को लाना है, लोग ऐसा मन बढ़ा चुके हैं। फूलचंद मुलाना कहते हैं हरियाणा में कांग्रेस एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है और कार्यकर्ताओं को भी चुनाव के लिए अभी से तैयार रहने के लिए कहा जाएगा। इलेक्शन में समय कितना है, कुछ ज्यादा समय नहीं है, होंगे तो समय पर ही। फूलचंद मुलाना दावा कर रहे हैं हरियाणा में फिर से कांग्रेस सरकार बनाएगी और इसके लिए कांग्रेस के पास खास तरह का गेम प्लान है। ऐसे में हरियाणा की बाकी पार्टियों की रणनीति पर भी गौर कर लेना बेहद जरूरी है। शक्ति परमार के साथ आलोक सागवान, एमएचवन न्यूज दिल्ली। मिशन 2014 के लिए इनेलो अपनी तरफ से पूरी कोशिशों में जुटी है, तो हजका का ट्रैक्टर भी रफ्तार पकड़ चुका है। वहीं हजका का साझेदार कमल भी इस बार कमाल दिखाने के मूड में नजर आता है, वो भी पूरी कोशिशों में लगा है किसी तरह से हरियाणा की जनता को लुभाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पर काबिज कांग्रेस भी एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। ऐसे में ये जो चुनाव है 2014 के, ये किसी चुनौती से कम नहीं है तमाम विपक्षी दलों के लिए, क्योंकि अगर कांग्रेस हैट्रिक लगाती है तो विपक्षी दलों का मनोबल पूरी तरह से टूट सकता है। मिशन 2014 के लिए कांग्रेस की रणनीति बेहद खास है, तो मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो का भी गेम प्लान तैयार हो चुका है। जेपीटी भर्ती मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और पार्टी के महासचिव अजय सिंह चौटाला जेल में हैं। ऐसे में पार्टी का अभियान इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा चला रहे हैं। हमारी पार्टी का प्रोग्राम है 7 तारीख से लेकर 18 तारीख तक हरियाणा प्रदेश के हर गांव और शहर के वार्ड में जाकर, जो सीबीआई और कांग्रेस ने साजिश रचकर ये खेल खेला है, इसकी हम पोल खोलने का काम करें। हरियाणा प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, बिजली के रेट निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, रोजगार के मामले में क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, इन सभी चीजों को लेकर हम हरियाणा विधानसभा में उठाएं।
इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला कहते हैं इनेलो का मिशन 2014 तेजी पकड़ रहा है और जनता का समर्थन भी उन्हें खूब मिल रहा है। ऐसे में इनेलो का गेम प्लान अगले साल होने वाले चुनाव में कामयाबी की इबारत लिख सकता है। हमारी पार्टी ने आगे क्या फैसला ऑलरेडी तय कर रखा है, हम 7 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक लगातार पूरे प्रदेश के एक एक गांव में और एक एक वार्ड में जाकर के इन कांग्रेसियों की सीबीआई की पोल खोलने का काम करेंगे। हम एक एक को अवगत कराएंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने हमारी पार्टी के खिलाफ, हमारी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने का काम किया। कांग्रेस और इनेलो की रणनीति बेहद आक्रामक दिखाई देती है। ऐसे में हज का बीजेपी के प्लान पर भी नजर डाल लीजिए। हज का अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई कहते हैं उनका ट्रैक्टर भी रफ्तार पकड़ रहा है और पार्टी की सियासी जमीन बढ़ती जा रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4-4.5 लाख लोग अगर एक हरियाणा के एक छोर में पंजाब बॉर्डर पे पहुंच सकते हैं तो इसका मकसद सीधा सीधा साफ संकेत है कि जनता बदलाव चाहती है और हजका भाजपा को सही विकल्प मानती है। जो हमारी पार्टी में पहले थोड़ी कमजोरी सी संगठन की, वो हमने मजबूत कर लिया है। गांव सत्र तक, बूथ सत्र तक अब हमारी पार्टी में कोई कमजोरी नहीं, और साथ में अब भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिलने के बाद मैं समझता हूँ कोई किसी प्रकार की कमी नहीं। परमात्मा भी राजी है, भाजपा भी राजी है और जनता भी राजी है। हजका का ट्रैक्टर हरियाणा में बीजेपी का साझेदार है और बीजेपी उम्मीद जता रही है ट्रैक्टर के जरिए इस बार हरियाणा में कमल की अच्छी पैदावार होगी। ऐसे में जान लीजिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा के पास कामयाबी का कौन सा मंत्र है। आने वाले दिनों में हम आम आदमी की समस्याओं को लेकर के संघर्ष करेंगे और आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम करें। हरियाणा प्रदेश की जनता बड़ी बेहद दुखी है। गांव में हरिजन का, बैकवर्ड का, महिलाओं का, यानी 36 बिरादरी का, गांव गरीब का, किसान का, बेरोजगार नौजवान का, झोंपड़ी के इंसान का जीना बड़ा मुहाल हो रहा है और हम उन आम आदमी की समस्याओं को लेकर के संघर्ष करेंगे और सत्ता तक पहुंचेंगे। ये गठबंधन हमारा पक्का है। भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस को लेकर के कोई किसी तरह का ना कार्यकर्ताओं में कोई कन्फ्यूजन है, ना हरियाणा की जनता में कोई कन्फ्यूजन है और हरियाणा की जनता ने ये मान लिया है कि ये गठबंधन आने वाली सरकार है। हरियाणा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद अहमियत रखते हैं। अगर इस चुनाव में बाजी एक बार फिर कांग्रेस के हाथ लगती है तो विपक्षी पार्टियों का हौसला टूट सकता है। कांग्रेस भी यही चाहती है। ऐसे में इनेलो, हजका और बीजेपी के लिए मिशन 2014 किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि इस चुनाव में कई नेताओं की तकदीर का फैसला होगा। दिल्ली से शक्ति परमार के साथ चंद्रशेखर धरनी।